हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ गैस हीटेड गाइजर कंज्यूम्स वी नॉट बराबर 1.8 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन इन एन आवर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर हीटेड बाय द गाइजर इफ द वाटर फ्लोज आउट एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द डायमीटर ऑफ द स्ट्रीम डी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द गैस इज T1 बराबर 11 डिग्री सेल्सियस एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज क्यू नॉट बराबर 13 किलो कैलोरी पर ग्राम। द गैस इन द ट्यूब इज अंडर अ प्रेशर ऑफ 1.2 atm। एफिशिएंसी ऑफ द हीटर इज 60%, मतलब जितना भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा हीटर में उसका 60% ही पानी गर्म करने में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे पानी का एक स्ट्रीम आ रहा है, पानी की धार जो है वो आ रही है। ठीक है, इन यहाँ पे आ रही है और यहाँ से आउट जा रही है। इन टेम्परेचर जो है दैट इज 11 डिग्री सेल्सियस और आउट पे वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रही है। इसको अपन 0.5 मीटर पर सेकेंड करके भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ का डायमीटर अपन को दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब अगर अपन सोचें कि किस रेट से इसके अंदर एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो जिस रेट से एनर्जी सप्लाई होगी उस हिसाब से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और आउटलेट पे अपन को जो हॉट पानी है, गर्म पानी है, वो मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को बताना है तो किस टेम्परेचर पे पानी निकलेगा वो अपन को पता लगाना है, राइट। इस तरीके से अपन को करना है। तो सबसे पहले मैं पता लगा रहा हूँ एनर्जी सप्लाई कितना होगा, जो मीथेन जल रही है उससे एनर्जी सप्लाई कितना आएगा। तो अपन को बोला है कि 1.8 मीटर क्यूब मीथेन जल रही है, ठीक है, और मीथेन की डेंसिटी होती है 0.657 केजी पर मीटर। तो इतना केजी पर आवर मीथेन जल रहा है, तो पर सेकंड निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 आप कर दो, ठीक है, और ग्राम पर सेकंड में करने के लिए 10^3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, अच्छा, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो दे रखी है 13 किलो कैलोरी, 13 × 10^3 कैलोरी पर ग्राम, इसलिए यहाँ पे ग्राम में उसमें किया, कन्वर्ट किया अपन ने। ठीक है, तो ये आ रही है एनर्जी सप्लाई। ठीक, इस तरीके से अपन एनर्जी सप्लाई निकाल लेते हैं। अब अगर अपन बोलते हैं कि एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम अगर हमें पता हो, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं MS∆T किस रेट से टेम्परेचर बदलेगा इसके अंदर में, है ना। एनर्जी सप्लाई इंटू टाइम कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे इंटू कर देंगे, कितनी देर के लिए उतनी एनर्जी सप्लाई, तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगी और उसको अपन रेज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो अपने पास है एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम आई है, राइट, तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो ऊपर जो एनर्जी सप्लाई मिली है दैट इज़ 1.8 इंटू 0.657 अपॉन 3600 इंटू 10^3 इंटू 13 इंटू 10^3। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसका जो एनर्जी सप्लाइड जो है इसका सिर्फ 60% ही यूज़ हो रहा है, तो 60/100 आप मल्टीप्लाई कर देना, दिस विल बी इक्वल टू MS, उसको मास को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू एरिया, राइट, सॉरी वेलोसिटी इनटू एरिया, मास फ्लो रेट इनटू डेंसिटी करेंगे तो DM/DT अपन को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी वेलोसिटी इनटू एरिया इनटू डेंसिटी, ये मिल जाएगा DM/DT इनटू एस इनटू Δt। ठीक है, तो वी अपने पास दिया है 50/100 मीटर पर सेकेंड इनटू एरिया पाई D/2 होगा का होल स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, राइट, इंटू स्पेसिफिक हीट 1 दे रखी है, पानी का 1 होता है, और टेम्परेचर T-11, फाइनल टेम्परेचर T हो गया और इनिशियली 11 था, तो ऐसा। तो यहाँ से आप अगर T कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको T की वैल्यू सीधा 93 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।